नमस्ते किसान भाइयों, कैसे हैं आप सब लोग। प्याज में थोड़ी तेजी दिखाई दे रही है क्योंकि बांग्लादेश में भी निर्यात वापस चालू हो गया है। तो चलिए जानते हैं ये थोड़ी तेजी के साथ में आज का भाव क्या रहा, भारत की किन किन मंडियों में क्या क्या भाव में बिका। तो बने रहिए वीडियो के साथ में। लेकिन आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना प्लीज मत भूलिएगा। तो चलिए जानते हैं भारत की सभी मंडियों में प्याज क्या भाव रहा और कितनी तेजी में रहा। स्टार्ट करते हैं इलाहाबाद से। तो इलाहाबाद में 400 से 1325 के बीच में बिका। इलाहाबाद में नासिक प्याज बिका 800 1300 के बीच में। लासन गांव में बिका 500 से 1300 के बीच में। नासिक मंडी में बिका 500 से 1300 के बीच में। गोरखपुर मंडी में बिका 600 से 1260 के बीच में। गाजीपुर मंडी में बिका 500 से 1200 के बीच में। कानपुर मंडी में बिका 600 से 1200 के बीच में। जयपुर मंडी में बिका 700 से 1125 के बीच में। बढ़िया प्याज था ये। आजादपुर मंडी में 800 से 1100 के बीच में। इंदौर सुपर बिका 600 से 1050 के बीच में। आगरा मंडी में बिका 500 से 1000 के बीच में। उज्जैन में बिका 100 से 1000 के बीच में। रतलाम में बिका 200 से 1000 के बीच में। भावनगर मंडी में बिका 300 से 1000 के बीच में। कोटा मंडी में बिका 500 से 1000 के बीच में। भोपाल में बिका 100 से 1000 के बीच में। अलवर मंडी में बिका 200 से 950 के बीच में। इंदौर मीडियम बिका 300 से 900 के बीच में। भरतपुर मंडी में बिका 400 से 850 के बीच में। श्यामगढ़ मंडी में बिका 100 से 800 के बीच में। नीमच मंडी में बिका 100 रुपए से 800 के बीच में। मंदसौर मंडी में बिका 100 से 750 के बीच में। किसान भाइयों, ये था आज का प्याज का भाव, कितना ऊपर गया ये आपको पता चल ही गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।